को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। को बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सहारनपुर गांव देवबंद में एक वहां पे जो लड़का मारा गया था उसके तीजे में गए थे। वहां से होने के बाद वो वहां से जैसे निकले कुछ अज्ञात बदमाशों ने बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर दी और जो कि एक गोली बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को छू कर भी निकली। मैं यूपी सरकार को बता देना चाहता हूँ, इस बीजेपी सरकार को बता देना चाहता हूँ, ये बहुजन समाज का जो एक उभरता हुआ चेहरा है वो चाहते हैं कि हम उन्हें ऐसे ही चुप बैठा देंगे डरा धमका कर एक गोली। अरे मैं ये बता देना चाहता हूँ, उनके साथ बड़े बहुत लोगों की दुआएं हैं, बहुत जिनके लिए बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हर टाइम खड़े रहते हैं। वो एक ऐसा वो नेता नहीं है, वो भाई है, वो बेटा है। प्रशासन ये ना समझे कि भीम आर्मी की एक बहुत बड़ी तादाद है, भीम आर्मी बहुत बड़े लेवल पर भी है, पूरे पलवल को बंद कर देंगे। अगर भाई को न्याय नहीं मिला ना, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हम भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता एक एक पदाधिकारी बिल्कुल तैयार है और हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। पता है कि भीम आर्मी को कुछ मनुवादी लोगों ने बहिष्कृत एससी समाज तक सीमित करके रखा है। मैं आपको बता देता हूँ कि भीम आर्मी संगठन सभी का संगठन है, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि एक वकील जो कि ब्राह्मण समाज से है और जो कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से आके मदद करती है और हमारी वहाँ टीम पहुँच करके उस बहन की भी मदद की जाती है। और एक बहन की हमने भी खुद हमारे पास भी कॉल आई थी तो हमने मदद की थी। और आपने देखा होगा जहाँ भी SC ST OBC या किसी पर भी अन्य अत्याचार होता है वहाँ पर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं पहुँचते हैं, चाहे वो कन्याकुमारी का भारत का कोई सा भी कोना हो वहाँ पर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुँचते हैं। हमारे साथ कर्तक अन्य अत्याचार होता रहेगा, हम सबका साथ देते हैं। और आज कल की घटना बहुत बड़ी घटना थी, अगर वो गोली सीधी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जब स्पर्श करके निकली है, अगर वो सीधी डायरेक्ट लगती तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु भी हो सकती थी। हम मांग करते हैं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को झट पलक सुरक्षा दी जाए और दोषियों को सख्त से सख्त रासुका लगाकर जेल भेजा जाए। और यह पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है कि एक हरियाणा की गाड़ी जाकर उत्तर प्रदेश में फायरिंग करती है और फिर वहां से सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में खबर फैल जाती है, फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। आप लोगों को जागना होगा, ये सरकार चाहे भाई को सुरक्षा दे या ना दे, लेकिन 2024 के इलेक्शन में आपको पैर से पैर बढ़ाकर, हाथ से हाथ बढ़ाकर, गांव-गांव जाकर इस बीजेपी सरकार की पोल को खोलना होगा और बताना होगा। जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि देश ही नहीं विदेशों में चर्चित चेहरा है, जिनको टाइम्स मैगजीन में भारत के अकेले व्यक्ति जो उभरते हुए नेताओं की श्रेणी में आते हैं उनको दर्जा दिया गया, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, ये कहीं ना कहीं ये सरकार और प्रशासन की मिली भगत है। इसके लिए हमें खुद स्टैंड लेना होगा। अगर ये सरकार भाई को जेट प्लस सुरक्षा नहीं देती है तो इससे भी बड़ा कदम हमें उठाना होगा। कायर नहीं है, अगर उनके अंदर एक गलत फहमी हो हम कायर है तो वो अपना बहम निकाल ले, अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने से वार करें, उन्हें उनकी छठी का दूध याद ना दिला दे तो हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता नहीं है। साथियों, वो लोग कायरों की तरह हम पर हमला करते हैं, छुपके हमला करते हैं, अगर उनमें इतना ही दम है, वो अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं जिन्होंने इस देश में हमेशा से इस देश के खिलाफ उन लोगों का, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे अंग्रेजों से पहले कोई भी हुकूमत रही हो, उनका साथ दिया था। उनकी नाजायज औलादे जो आज देश में ये कहती है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं,
और इस देश के मूल निवासियों को कहीं ना कहीं टारगेट करने का काम वो लोग कर रहे हैं। साथियों, हमें जागना होगा, हमें इस देश के बहुजन समाज को जगाना होगा, हमें प्रत्येक SC ST OBC माइनॉरिटी के भाई के पास जाकर उनको बताना होगा कि आपका इतिहास क्या है, कहां से आप लोग निकल के आए हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म जाति बढ़ रही है, किस तरीके से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निशाना बनाया जाता है। आज भी इस तरीके से प्रशासन की ये नाकामयाबी है कि हरियाणा की गाड़ी और वहाँ तक हथियार लेकर जाती है, बीच में टूल टैक्स पड़ते हैं, तमाम नाकेबंदी होती है, उसके बावजूद ये हमला होता है हो जाती है। और तो आप इस मांग को पहुँचाएँ, बिल्कुल उनको बताएँ कि आज चारों के पास पहुँचा देंगे ये। सर एक बताइए, मीडिया से हम ज्ञापन दिया गया आपको, ये किस माध्यम से कैसे कैसे पहुँचेगा ये ज्ञापन और कब तक पहुँचेगा? आज शीघ्र ही पहुँचा दिया जाएगा डीसी साहब के माध्यम से, माननीय राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुँच जाए, आज ही पहुँचे। आपने ज्ञापन दिया है तो जो मांग रखी गई है मेन तो हमने सुन लिया है, एक बार फिर से संक्षिप्त में बताइए। हमारी जो मांगे हैं, जो मुजरम हैं जिन्होंने भाई के ऊपर हमला किया है, उन मुजरमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके जेल में रासुका के तहत डाला जाए और जो भाई के लिए Z+ सुरक्षा की जो मांग की गई है वो सुरक्षा मिले और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला जाए जल्दी से जल्दी। ज्ञापन दिया गया आपने, क्या कहेंगे आप? सर ज्ञापन दिया है, जिनकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई थी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज ही ज्ञापन को शीघ्र जिला उपायुक्त के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। ज्ञापन में क्या क्या कहा गया? ज्ञापन में यह है कि बड़े भाई चंद्रशेखर जी के ऊपर काफी बार पहले भी हमले हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को, DGP को वहाँ कई बार लिखित में शिकायत पत्र दिया हुआ है कि भाई भाई को Z+ सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जहाँ भी पूरे देश के अंदर अन्य अत्याचार होता है वहाँ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी और पीड़ित पक्ष के तरफ से मजबूत तरीके से उस लड़ाई को लड़ते हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करते हैं। क्या लगता है कि आपको कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल होगी जी कार्रवाई, क्योंकि भीम आर्मी संगठन एक मजबूत संगठन है, क्योंकि भीम आर्मी संगठन 2015 में बना था और इसी जो SC समाज और बहुजन समाज ने पूर्ण मिलकर जो सहयोग किया, गांव गांव जाकर के लोगों को समझाया और संगठन को मजबूत तरीके से एक नाम दिया, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम पूरे भारत देश को बंद करने का काम करेंगे। एक तारीख को, एक जुलाई का, तो स्थगित है या आ सकते हैं? अभी इसकी कोई सूचना नहीं है, अभी पूछ करके जवाब दिया जाएगा उसका, और वैसे 99% प्रोग्राम होगा। कहाँ पर? कौन सी तारीख को? हुड्डा Sector 2 सुबह 9 बजे वहाँ पर आएंगे भाई। तारीख 1 तारीख बता रहे हैं? 1 तारीख। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।